इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राइम मिनिस्टर की पीरियड में एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत बोल्ड डिसीजन लिए थे और उन सभी बोल्ड डिसीजन में सबसे सक्सेसफुल डिसीजन था प्रोजेक्ट टाइगर। 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया और उसके अंतर्गत एक टास्क फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया। इनका काम था टाइगर की पोचिंग खत्म करना, क्रिमिनल को पकड़ना और जो ये टाइगर के बॉडी पार्ट चाइना जाते थे उस इंटरनेशनल ट्रेड को पूरी तरह से खत्म करना। टाइगर प्रोजेक्ट को बाद में NTCA में कन्वर्ट किया गया जिसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसके अंतर्गत एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई। 2023 में जो हम टाइगर की संख्या देख रहे हैं वो 1973 में लिया गया एक बोल्ड डिसीजन था और उस डिसीजन को सही रास्ते पे ले जाने का काम हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बड़ी खूबी से निभा रहे हैं। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, अगर इस प्रोजेक्ट को हमें और सक्सेसफुल करना है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है तो हम सबको छोटे बड़े अपने हिसाब से कदम उठाने की आज बहुत बड़ी जरूरत है।